विद्यार्थियों आज अपन पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट और ब्रांच अकाउंट में अपन ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट मेथड पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट मेथड। ब्रांच अकाउंट में पढ़ते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या एंट्री होती है वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। एचओ द्वारा माल भेजने पर बुक वॉक हेड ऑफिस इसमें अपन अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिजर्व अकाउंट गोड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में इसमें खाते बनते हैं। हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को माल भेजने पर माल भेजा और अपन दो तरह की एंट्री होती है, एक कॉस्ट प्राइस पे एंट्री करते हैं एक इनवॉइस प्राइस पे एंट्री करते हैं। जब अपन इनवॉइस प्राइस पे एंट्री करते हैं तो उस माल की लोडिंग उतारी जाती है। तो एचओ द्वारा ब्रांच को माल भेजने पर एंट्री बनती है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच स्टॉक में एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहां पर स्टार प्राइस आएगी कौन सी प्राइस आएगी इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस। और गुड सेंड टू ब्रांच में वापस रिवर्स एंट्री होगी और वो एंट्री होगी बाय ब्रांच स्टॉक और ये भी इनवॉइस प्राइस। जैसे ही इनवॉइस प्राइस पे एंट्री होगी तो इसकी लोडिंग उतारी जाएगी इसको कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए। तो लोडिंग उतारने के लिए यहां पर एंट्री बनेगी टू ब्रांच एडजस्टमेंट कौन सा अमाउंट लोडिंग लोडिंग टार्ग होता है। जैसे 100 रुपए का माल है और अपन ने 125 का बिल बना के ब्रांच को भेजा है तो यहां पर 125 आएगा यहां पर 125 आएगा और यहां पर 25 आएगा। तो इसकी लोडिंग उतारेगी वापस एंट्री बन गई गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट में वापस कटौती हो जाएगी बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच और ये लोडिंग वाला है ये लोडिंग वाले अमाउंट से। अब ब्रांच ने माल बेचा कुछ माल नकद बेचा जाएगा कुछ उधार बेचा तो एंट्री बनती है। जब उधार माल बेचा तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक तो ब्रांच डेटर्स में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट सेल्स का और ये एंट्री बनेगी सेलिंग प्राइस। और फिर इसमें ब्रांच स्टॉक में एंट्री हो जाएगी बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ये एंट्री होगी सेलिंग प्राइस। नकद माल बेचने पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू
branch stock by cash या bank, और यहां आएगा cash sales, और ये भी होगा selling price, और cash का account बनेगा उसमें खपनी हो जाएगी टू branch stock। अब अपने पास में ब्रांच द्वारा डेटर से पैसे प्राप्त होने पर और उसको डिस्काउंट देने पर, डेटर से पैसे प्राप्त हुए एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, चेक प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक को बैंक में सीधा डाल दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो पैसे प्राप्त होने पर टू ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स में खत्म हो जाएगी बाय कैश या बैंक अकाउंट दिया, कौन सा अमाउंट आएगा अमाउंट रिसीव 84 प्राप्त, और कैश और बैंक में खत्म की जाएगी टू ब्रांच डेटर्स। फिर इसको डिस्काउंट दिया तो एंट्री बनती है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, तो यहां पर आ जाएगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है डिस्काउंट बैड डेट, ये एंट्री, और वापस ब्रांच एक्सपेंसेस में खत्म हो जाएगी तो ब्रांच डेटर्स, और इसमें आ जाएगा डिस्काउंट और बैड डेट्स, जो अमाउंट है वो अमाउंट मिला है। राशि डूबने पर ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स राशि प्राप्त। अब डेटर्स द्वारा माल वापस लौटाने का, तो माल वापस प्राप्त हुआ लौटाने वाला डेटर्स है, तो माल प्राप्त हुआ तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करना है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच डेटर्स, कौन सा माल सेल्स डेटर, और ये किस पर आएगा ये सेलिंग प्राइस पर, और ब्रांच डेटर्स में खत्म हो जाएगी बाय ब्रांच स्टॉक, और ये कौन सा प्राइस होगी सेलिंग प्राइस, और यहां पर डिस्काउंट और जो बेटर अमाउंट है उसे अमाउंट। अब एक्सो द्वारा या ब्रांच द्वारा खर्चे छुपाने पर तो एंट्री बनती है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग, तो ब्रांच एक्सपेंसेस में खत्म हो जाएगी टू कैश बैंक और आउटस्टैंडिंग, और क्रिकेट में ये है एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस वाले अमाउंट्स। अब अपने पास में बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनती है यहां पर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये निकलेगा इनवॉइस प्राइस, ये निकल जाएगा इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे ये निकल गया। अब इसकी वापस ये यहां बैलेंस है तो इसकी जो लोडिंग वाली अमाउंट होगी वो अमाउंट यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये लोडिंग वाली राशि, इस माल की जितनी भी लोडिंग होती वो यहां से उतर। अब इस अकाउंट को बंद करेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, ये भी कौन सा अमाउंट लोडिंग वाला, और एंट्री बन जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक के नीचे, ब्रांच एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी तो स्टॉक
रिजर्व, ये कौन सा अमाउंट लोडिंग वाला। इस तरह से ये लोडिंग अकाउंट बन गई। अब अपने पास में यहां पर जो इसका डिफरेंस आएगा, इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों समान होती है, इसलिए खाते का एक डिफरेंस आएगा नहीं। यदि आता है तो ये नॉर्मल लॉस क्या है, नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस होने पर ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा और एबनॉर्मल लॉस होने पर ब्रांच पीएनएल में ट्रांसफर होगा। तो मत ये खाता बराबर होता है, और यदि इसके बीच में अंतर होता है, अंतर नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस होने पर ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा और एबनॉर्मल लॉस होने पर ब्रांच पीएनएल में जाएगा। ये भी खाता टोटल बराबर हो गई। गुड्स चेंज टू ब्रांच, ये खाता ट्रेडिंग अकाउंट से बंद होगा और इसको ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करना है। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट कहां से क्लियर आएगा, बैलेंस में, और ये जो भी अमाउंट है वो ये खाता। अब आपके पास ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, ये खाता पर्सनल अकाउंट है और इसके बैलेंस से बंद होगा। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और जो बैलेंसिंग फिगर है वो और भी खाता बंद। अब अपने पास में आता है ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से बंद होगा और एडजस्टमेंट अकाउंट से बंद होगा जो बैलेंस है उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करो। कौन सा बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट के अंदर आएगा बैलेंसिंग फिगर, जो भी है इसका अंतर है उस खाते को बंद कर। तो वापस इसी प्रोसेस एंट्री बन गई, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच एक्सपेंसिव। ब्रांच एडजस्टमेंट में खत्म हो जाएगी टू ब्रांच एक्सपेंसिव और ये जो अमाउंट है। अब यदि सीआरपी टोटल जाता है तो ब्रांच पीएनएल अकाउंट, और यदि ए प्रॉफिट और बाई ब्रांच पीएनएल अकाउंट इफ लॉस, और ये भी बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब जैसे कि स्थिति है इस तरह से बनेगी और इस तरह से अपनी ये एंट्रियां होगी और ये खाते बनेंगे। इस प्रकार अपने खाते बने, एक दो तीन चार पांच और छह, और कभी ब्रांच केदार अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है तो वो सात बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद।